नमस्कार, एसएमजेड न्यूज इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आरती, आपके साथ शुरुआत करते इस वक्त की 10 बड़ी खबरों के साथ। पहलवानों के शोषण से गुस्साया हरियाणा, अब ओलंपियन भी रेसलर्स के समर्थन में उतरे। कहा, फेडरेशन के लोग खिलाड़ियों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं, अब पंचायतों का दिल्ली के लिए कुछ करें। पंजाब में बुजुर्ग की 5 करोड़ की लॉटरी लगी, लोहड़ी बम्पर में मिला पहला इनाम। 40 साल से हर महीने खरीद रहे थे टिकट। फ्लाइट में पेशाब केस, एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए जुर्माना। पायलट 3 महीने के लिए किया गया सस्पेंड, आरोपी के वकील बोले 4 महीने का बैन गलत। दिल्ली में दीवारों पर लिखा खालिस्तान जिंदाबाद, रिपब्लिक डे की तैयारियों के बीच माहौल खराब करने की कोशिश। दिल्ली पुलिस ने कहा सख्त कार्रवाई की जाए। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, जापान में एक दिन में 451 हुई मौत। भारत में 134 नए मामले आए सामने। हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी 1946 एक्टिव केस। राम रहीम की पैरोल से पहला नया विवाद, शाह सतनामपुरा में 5 गांवों के लोगों की जमीन शामिल की। डेरा मैनेजमेंट के खिलाफ धरना। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में पीएम मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार। विदेश मंत्रालय ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा बताया, ब्रिटिश पीएम बोले डॉक्यूमेंट्री से सहमत नहीं। अमेरिका के मैरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी अरुणा मिलर। भगवद गीता पर ली शपथ, पद संभालने वाली पहली इंडियन अमेरिकन सिटीजन। बर्फ से ढका केदारनाथ धाम, लाहौल की चोटियों पर 4 इंच बर्फ। हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी से काजा में पारा, 20 डिग्री पंजाब और हरियाणा में बारिश के आसार। इराक के स्टेडियम में भगदड़, 4 लोगों की हुई मौत। 40 साल में पहली बार इंटरनेशनल मैच हो रहा था, 65,000 से ज्यादा लोग जुटे। ये थी अब तक की खास 10 बड़ी खबरें। कल फिर हाजिर होंगे और भी नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए SMZ News India।